टारगेट विद्यालोक के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। लेखपाल का बैच प्रारंभ हो चुका है। सभी शिक्षक अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें एक ऐसा सेगमेंट था जो हिंदी का था, वह नहीं चल पा रहा था। कारण यह था कि मैं अपने गृह जनपद में ही था, यानी गोरखपुर में ही था, फलस्वरूप मैं आ नहीं पा रहा था। अब मैं आ गया हूं और कंटिन्यू क्लास चलेगा, यानी जो एक सेगमेंट अधूरा था अभी तक, वह अब अधूरा नहीं रहेगा, अब ये कंटिन्यूअस चलेगा। इस सेगमेंट में हिंदी के 25 प्रश्न आते हैं। 25 प्रश्न पर चर्चा तो होगी ही होगी, एक ओवरऑल भी चर्चा होगी कि हिंदी में कहां कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर भी बात होगी। बाकी रवि सर ने भी बात किया है और उन्होंने पूरा एक डिटेल आपको बताया है कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, वो सब डिटेल बातें हो चुकी हैं। इसलिए अपने मूल विषय पर आते हुए हम अपने चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। शिक्षक सभी अपने अपने अनुरूप पढ़ाते हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन प्रारंभ करने का टॉपिक जो होता है सभी लोगों का अलग अलग होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आपका जो प्रारंभ हो वो समग्रता में हो। समग्रता का मतलब ये हुआ कि हम जब बेस तैयार कर लेंगे तो संभवतः मुझे सारी चीजें आसान लगने लगेगी। हालांकि बेस थोड़ा सा कठिन होता है बनाना और समझना भी, लेकिन पूरा प्रयास होगा कि ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूं जटिल तो है, लेकिन आपको पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सुगमता से समझ में आ जाए। प्रांजल भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा कि आपको समझ में आ जाए। अगर कहीं पर किसी को दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछ लेगा, उसको बता दिया जाएगा, पुनः बता दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना करके और कागज पेन लेकर के बैठिए, पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, रुक रुक करके लिख भी लीजिएगा, क्योंकि अगर ये आधार मजबूत हो गया तो संभवतः जो अगली क्लास होगी जिस पर हम आगे बात करेंगे वो आसानी से समझ में आ जाएगी। यहां से क्वेश्चन भी आते हैं और यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, और ये तो मैं नहीं दावा करता, लेकिन इतना जरूर है कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिल जाते हैं। आइए हम उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वह टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, इस पर हम बात करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझना अति आवश्यक होता है हिंदी प्रारंभ करने से पहले ही, यानी अगर इस बेस को हम देखें, अगर इस शब्दों पर हम जाएं तो लिखा है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। जब तक हम किसी का उद्भव नहीं पढ़ते हैं और विकास के बारे में नहीं जानते हैं तो आगे मजा नहीं आता है।
यानी इंटरेस्ट बनाने के लिए ये आपको जानना जरूरी है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट के साथ साथ यहां से जो क्वेश्चन आते हैं उस पर विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा। पहली चीज, इस टॉपिक पर हम आते हैं तो यहां पर हिंदी भी है, भाषा भी है, उद्भव है और विकास है, ये चार पॉइंट हैं। एक एक पॉइंट को समझा भी जाए, देखा भी जाए। पहली चीज, हम भाषा पर बात करते हैं। भाषा पर दिमाग में आपके आना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का कार्य क्या है, ये अमूमन वैसे भी दिमाग में आ जाना चाहिए, आ भी गया होगा आप लोगों के। तो भाषा क्या है इस पर हम बात करें। यहां पर जो हम देखेंगे, भाषा का जो उत्पत्ति हुई है वह भाष धातु से हुई है। भाष धातु से हुई है। धातु संस्कृत में चलता है, हिंदी में क्रिया चलती है, लेकिन क्रिया का जो निर्माण होता है वो धातु से ही होता है। यानी किसी भी क्रिया का अगर निर्माण हुआ तो किससे होगा, धातु से होगा, यानी संस्कृत के धातु से होगा। यानी किसी भी क्रिया में से अगर ना हम निकाल देते हैं तो जो मूल बच जाता है उसे ही हम धातु कहते हैं। हम जब क्रिया आपको पढ़ाएंगे उस क्रिया में इसका मैं डिटेल चर्चा करूंगा और बताऊंगा भी। यहां सिर्फ शब्द आने से मैं उसको बता दिया हूं। अब यहां भस धातु है, तो भस धातु यानी भस का अर्थ क्या होता है, भस का अर्थ होता है व्यक्त करना। भस का अर्थ क्या होता है, व्यक्त करना। क्या व्यक्त किया जाता है, व्यक्त जो करना है वह मानसिक विचारों का, यानी मन में उत्पन्न होने वाले विचार का, जो हमारे अंदर यह विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो हमारे अंतर्गत भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इन विचारों और भावों को जिस माध्यम से व्यक्त किया जाता है, यानी ये जिस माध्यम से व्यक्ति होंगे वही माध्यम क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। यानी हम भाषा को एक माध्यम मान सकते हैं। माध्यम क्या है कि अगर हमारे मानस पटल पर, मन मस्तिष्क में कोई विचार आए तो मैंने आप तक व्यक्त कर दिया, आपको बता दिया। आपके अगर जेहन में कोई विचार आया, कोई भाव आया, आपने हमको बता दिया या किसी को बता दिया, तो आपने जब बताया तो कोई माध्यम मिला, यानी माध्यम का सहारा मिला, और यही माध्यम ही भाषा कहलाती है। अब ये माध्यम जो होगा वह माध्यम मुख्यतः दो रूपों में होगा, गौणतः तीन रूपों में होगा। तो जो व्यक्त करने का माध्यम है वो व्यक्त करने का माध्यम क्या है, तीन है। पहला जो माध्यम है वह क्या है, मौखिक भाषा। पहला माध्यम क्या हुआ, मौखिक भाषा का। दूसरा जो माध्यम हुआ, लिखित भाषा के रूप में जानते हैं, लिखित भाषा। और तीसरा जो माध्यम हुआ वह सांकेतिक भाषा का हुआ, सांकेतिक भाषा।
यानी तीन माध्यमों के द्वारा हम अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने मनोभावों को हम व्यक्त करते हैं और आप उसको समझते हैं। आपके द्वारा व्यक्त किया जाता है तो मैं समझता हूं। अब ये जो मौखिक माध्यम है, मौखिक भाषा है, इस भाषा में क्या होता है? तो मौखिक भाषा में केवल बोल करके बात की जाती है, यानी मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं, बोलते हैं वो और आप समझते हैं। तो ऐसे माध्यम को हम क्या मौखिक भाषा के माध्यम के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, हम रेडियो का प्रसारण सुन रहे हैं, तो वहां का जो बात होगा, वहां की जो विचारधारा होगी, उस विचारधारा को हमने सुना और सुन करके उस विचारधारा को हमने समझा। तो बोल करके जो विचारधाराएं व्यक्त की जाती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरे पर हम आते हैं, लिखित भाषा पर हम आते हैं, तो इस लिखित भाषा में नाम भी है लिखित। तो लिखित भाषा में क्या होता है, हम बात लिख करके व्यक्त करते हैं, यानी अपने विचार को, अपने मनोभाव को हम क्या करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं। तो लिख करके जब हम प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा एक क्लिष्ट भाषा है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक पढ़ते हैं तो वह लेखक के विचार हैं, वह लेखक के भाव हैं और उस भाव को मुझे समझना होगा। हम पत्र पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तमाम हम पढ़ते हैं और पढ़ करके उन बातों को हम समझते हैं। इसमें क्या है कि लेखक मौजूद नहीं है। क्लिष्ट क्यों है, क्योंकि लेखक मौजूद नहीं है और वह अपनी विचारधारा को, अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहा है और आप उस मनोभावों को उसी रूप में समझ ले रहे हैं, इसलिए क्लिष्ट है। जैसे मान लीजिए कि अगर लेखक ये चाहता है, अगर मैं आपके सामने हूं तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें हम बोलें कि आपको हंसी आ जाए, हो सकता है कुछ ऐसे गंभीर विषयों पर हम चर्चा करें कि आपको रुलाई आ जाए। तो मैं मौजूद हूं, मौखिक हो रहा है लेकिन मैं मौजूद हूं। लिखित में क्या है कि मौजूद नहीं है, लेखक मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वह जैसा चाह रहा है वैसा हम सोच रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि लेखक चाहता है कि हम हंसें, तो बहुत सारे ऐसे चुटकुले वो लिखता है कि जिसको पढ़ करके हम क्या करते हैं, हंसते हैं। तो चाहता है कि हंसते हैं हम, वो चाहता है कि हम गंभीर हो जाएं, हम इन मुद्दों पर गंभीर हो जाएं पढ़ते पढ़ते। तो हम कुछ ऐसे उपन्यास है, प्रेमचंद के उपन्यासों को अगर पढ़ेंगे तो आप एकदम गंभीर हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे, कभी कभी तो आंखों से अश्रु की धारा बहने लगेगी उन कंडीशन पर सोच करके। तो लेखक जैसा चाहता है वैसा ही हमारे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी वह अपने विचारधारा को इस प्रकार से व्यक्त करता है कि हम उससे सहमत हो जाते हैं। यानी लिख करके अगर प्रकट किया जाए विचारधाराओं को, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं, पत्र पत्रिकाएं पुस्तक आदि। अब आते हैं सांकेतिक भाषा पर, यानी संकेत के माध्यम से। अगर संकेत के माध्यम से कोई बात कही जाए और वह बात मुझे समझ में आ जाए तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आप सांकेतिक भाषा भी विचार को व्यक्त करती है। जैसे आपने आजकल व्हाट्सएप का युग है, तमाम प्रकार के संकेत आ गए हैं जिसको केवल संकेत कर दिया जाता है, हम समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे अंपायर का पुराने अगर बात हम करें उदाहरणों पर, तो अंपायर का उंगली उठाना
अगर मान लीजिए वह एक उंगली उठा दिया तो इसका अर्थ सभी लोग समझ जाते हैं कि क्या होगा। अगर ऐसे इशारा कर दिया तभी भी हम समझ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, ये चार रन का इशारा है। आप कहीं अगर जाते हैं तो देखते हैं कभी कभी जो है ऐसे बना हुआ रहता है, यानी यह एक स्कूल है, एक बच्चा जो है वह स्कूल बैग टांगे हुए है, तो यानी वह आगे स्कूल है, इस प्रकार से भी रहता है। अगर आप कहीं कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से कुछ बना रहता है, इस प्रकार से कुछ बना रहेगा और ऐसे ऐसे बना रहेगा, यानी ये ट्रेन की पटरी है, ऐसे बना रहेगा, ट्रेन की पटरी है यानी आगे क्रॉसिंग टाइप में है। तमाम प्रकार के आपको संकेत मिलेंगे, कुछ लाल कलर में इस प्रकार से रहेगा, ऐसे रहता है, कभी कभी किसी किसी गाड़ी पर ऐसे आप पाते हैं। तो तमाम आप संकेत के माध्यम से ये चीजें मनोभावों को समझ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा के तीन रूप हो गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो अभी हमने आया था हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पर, अभी हमने किस पर बात किया, हमने बात किया था भाषा पर, यानी हमने भाषा पर बात किया था। इस अब हम किस पर बात करेंगे, हिंदी पर। हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, यह किस भाषा की शब्दावली है, किस भाषा परिवार की है, यानी हिंदी के बारे में एक इतिहास जानेंगे, जहां से क्वेश्चन भी आता है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। तो हम हिंदी शब्द पर बात करते हैं, हिंदी साहित्य में जो हीनता को नष्ट करे उसे हिंदी कहते हैं, ऐसा भी कुछ मिलता है, यानी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई हैं। हिंदी की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका प्रयोग फारसियों ने किया, यानी फारसी ने किया, फारसी लोग किए, फारसियों ने इस आधार पर किया, एक व्यापारिक क्रियाकलाप प्रारंभ हुआ और इस व्यापारिक क्रियाकलाप में व्यापार हुए, उत्तर भारत से भी व्यापार हुआ और दक्षिण भारत से भी व्यापार हुआ। आपका ये गंगा, ये यमुना, यह प्रयागराज आपका है, प्रयागराज है। तो व्यापार की जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है, फारस से प्रारंभ होती है, तो फारसी यहां पर व्यापार करने के लिए आते हैं। यहां पर एक नदी प्राचीन काल से ही बह रही है जिसका नाम है सिंधु, जो आज भी बहती है, हम जानते भी हैं। अब यह सिंधु नदी को फारसी पार करते थे और व्यापार की प्रक्रिया को प्रारंभ करते थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि जो फारसी में उच्चारण है सिंधु का, यानी जो सिंधु लिखा गया है, आप ऐसे लिखिए
या ऐसे लिखिए, श्याम सुंदर दास के अनुसार चलेंगे तो इस पर बिंदु लगा देंगे, पंचम वर्णी के आधार पर चलेंगे तो ऐसे लिख देंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे कि लेखन की परंपरा कैसे हो। तो स का जो उच्चारण है वह ह के रूप में हुआ और ध का जो उच्चारण है वह द के रूप में, यह किए फारसियों ने किया। अतः वो जब भी सिंधु बोले हैं तो सिंधु न बोल करके यह हिंदू बोले हैं, यानी जैसे मात्रा है वैसा उतर जाएगा, यह हिंदू बोले हैं। अब सिंधु से यह हिंदू में परिवर्तित हो गया नदी, यानी हिंदू नदी को पार करेंगे तो आप कहां पर पहुंचेंगे, हिंदुस्तान में पहुंचेंगे, यानी हिंदुस्तान में पहुंचेंगे, हिंदू के स्थान में पहुंचेंगे। स्थान मतलब होता है क्षेत्र, यानी हिंदू के क्षेत्र में पहुंचेंगे। तो हिंदू के क्षेत्र में जो लोग बसते हैं, जो हिंदुस्तानवासी हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, वह जिस बोली को बोलते हैं कालांतर में चलकर के यही हिंदू जो है हिंदी और हिंदी में परिवर्तित हो जाता है प्रत्ययों के आधार पर। यानी यही हिंदुस्तान में जो बसने वाले हैं वो जिस भाषा को बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। एक विकास यात्रा रही कि सिंधु से इसका नामकरण क्या हुआ, हिंदी ही हुआ। देन किसकी है, फारसियों की है, फारसियों की है। इसलिए यह जो हिंदू शब्द है, यह जो हिंदुस्तान शब्द है और जो यह हिंदी शब्द है, यह तीनों किस भाषा की शब्दावली है, वह फारसी भाषा की शब्दावली है। फारसी यानी हिंदी, हिंदी भाषा का शब्द न होकर के किस भाषा का शब्द है, वह फारसी भाषा का शब्द है। यानी हिंदी के बारे में हम कहें, अगर प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी किस भाषा की है, तो फारसी भाषा की हिंदी, हिंदी भाषा की नहीं है बल्कि यह क्या है, फारसी भाषा की यह शब्द है। अब यहां पर यह तो हमारा एक क्रम रहा कि हिंदी तक हम पहुंचे और हिंदी इसका नामकरण हुआ। जब हम किताबों की बात करते हैं, यानी इसके प्रयोग की बात करते हैं, तो उस प्रयोग में हम ये देखते हैं कि एक पुस्तक लिखी जाती है मध्यकाल में अलबरूनी के द्वारा। अलबरूनी एक पुस्तक लिखते हैं अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखा अल हिंद। अल हिंद में इन्होंने हिंदी जबान का प्रयोग किया, यानी जबान हिंदवी का इन्होंने प्रयोग किया। यानी अगर हम शब्द की बात करें, पुस्तक में प्रयोग की अगर हम बात करें, तो हमको अल हिंद में इसका वर्णन मिलता है। ये एक प्रक्रियात्मक रूप से चली आ रही थी, बात हिंदी पर चल रही है और हिंदी का विकास धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन अब भाषा के रूप में हम अपना लिए, ये अभी तो बाद की बात है, इसके पहले इसकी विकास क्रम कैसे चला है उस पर भी हम थोड़ा सा बात करें। यहां पर तो चला आ रहा है, लोग प्रयोग कर रहे हैं, लोग बातें भी कर रहे हैं। यहां पर एक रोचक तथ्य ये मिला कि जो हमारा व्यापारिक क्रियाकलाप है वो व्यापारिक क्रियाकलाप चल रहा था, यानी प्राचीन काल में तो हम चल ही रहे थे। मध्यकाल में हुआ क्या, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। इसमें थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपको मिलेगा, तो यह मत समझिएगा कि यह इतिहास का बात है, यह हिंदी से ही रिलेटेड है। उन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर हम बात करेंगे जो हिंदी से रिलेटेड हो। हर एक सब्जेक्ट किसी न किसी सब्जेक्ट से लिंक रहता है, तो थोड़ा बहुत जो है इस विकास के क्रम में इतिहास की बात आएगी। तो यहां पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। अब जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हो जाती है तो इस पर बैठता है गुलाम वंश, बैठता है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। यानी यह 15 यानी 1206 में जो स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत की,
वह लोदी वंश से समाप्त होती है, यानी 21 अप्रैल 1526 यहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, किससे? इब्राहिम लोदी से और बाबर से। और अब जो भारत पर शासन होगा वो मुगल वंश का होगा, यानी मुगलिया वंश का स्थापना हुआ भारत पर। अब जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई, इतिहास में इतिहास वाले इसका डिटेल बताएंगे। यहां से अब बाबर आए और सारे शासक धीरे धीरे यहां पर आते रहे। इसके बाद अब एक व्यापारिक क्रियाकलाप जो अभी मैं आपको बताया था, उस व्यापारिक क्रियाकलाप में हमने ये दक्षिण भारत की व्यापार को नहीं बताया था। एक रोचक तथ्य है, देखिएगा, यह लिंक कर रहे हैं, चूंकि इसमें थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला है क्लिष्टता क्या है कि कई फैक्ट आकर के इसमें समाहित हो रहे हैं, तो प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए इस टॉपिक को मैं उठाया हूं। इसमें तमाम फैक्ट को लिंक किया जा रहा है और समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक कहानी के रूप में आपको बातें समझ में आ जाए। तो ये मत घबराइएगा कि ये कहां से कहां जा रहा है, बस इतना जानिएगा कि ये एक रिदम है, विकास की एक रिदम है, और ये चीजें अगर समझ में आ जाती हैं तो यहां से क्वेश्चन करना आपको आसान हो जाएगा। याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो पुनः क्या है, आपको याद करना पड़ेगा, अभी जो फैक्ट आएंगे उनको भी याद करना पड़ेगा। तो यहां पर दक्षिण भारत से भी व्यापार की बात होती है। अब दक्षिण भारत से जब व्यापार की बात होती है तो व्यापार कैसे हो रहा है? पुर्तगाल से एक नाविक आता है जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आता है, भारत आता है। भारत आता है, यह अलग बात है कि किसकी सहायता से, अब्दुल मजीद की सहायता से आता है, कालीकट के तट पर पहुंचता है, ये सब बातें होती हैं। तो भारत जब 20 मई 1498 को भारत आता है, 20 मई 1498 को भारत ही आता है। किताबें लिखती हैं कि भारत की खोज किया, हम इससे सहमत नहीं हैं कि पुर्तगालियों ने या यूरोपियों ने भारत की खोज किया है, वो भी कब किया है, 20 मई 1498 को, टोटल हम एग्री नहीं हैं, कारण कि ये शब्दावली ही गलत लिखी गई है, इसको बदलवाने का प्रयास किया गया, लिखा गया, लेकिन अभी तक इस पर कुछ हो नहीं पाया, इस पर एक बाद में चर्चा होगी। बस इतना जानिए कि 20 मई 1498 को ऐसा किताबें लिखती हैं कि भारत की खोज हुई, जबकि भारत की खोज नहीं हुई, भारत के बारे में जानकारी हुई, किसको? पुर्तगालियों को, यूरोपियों को। खोज नहीं, क्या इसके पहले भारत था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की एक समृद्ध परंपरा थी, एक अपनी सांस्कृतिक विरासत थी, सभी कुछ चला आ रहा है, प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही चला आ रहा है। अभी हम विभाजन करेंगे, वहां पर भी आप देखेंगे कि कैसे आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, कैसे विभाजन होता है, वहां पर भी हम बताएंगे। तो ये एक उनके द्वारा लिखा गया शब्द है, यूरोपियों के द्वारा, और हमने एज इट इज अपने किताबों में स्वीकार कर लिया है। फिलहाल 1498 में उनको क्या होती है, जानकारी होती है भारत के बारे में, किस मार्ग से, जल मार्ग से, यानी एक नाविक के द्वारा, यहां से मसालों का व्यापार होता है, यह चलता है धीरे धीरे, यानी ये पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, डेनिश आते हैं, अंग्रेज आते हैं, तमाम यानी यूरोपीय आते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। व्यापारिक क्रियाकलाप प्रारंभ होती है। इत्तेफाक ऐसा है कि जो अंग्रेज हैं, यह
अपने आप को ज्यादा चालाक मानते हैं और थे भी, स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि हमको गुलाम बना दिए तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इन्होंने धीरे धीरे हमारे भारत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यानी जो हमारी एक विरासत थी वह विरासत पर इन्होंने कब्जा कर लिया, वो शासक बन गए, हम उनके दास हो गए, हम गुलाम हो गए। यानी गुलामी की जंजीरों में हम क्या हुए, जकड़ लिए गए। अब यहां पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिए गए, प्रयास हुआ कि नहीं, बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन कुछ लोगों के कारण यह प्रयास विफल भी होते रहे, तमाम युद्ध भी होता रहा। यहां पर हम गुलाम हो गए और इस दास्ता में हम चलते रहे। एक कब तक असहनीय पीड़ा झेलते रहे, कई क्रांतिकारी इसमें शहीद भी हो गए, प्रयास बहुत ज्यादा हुआ। इस प्रयास में देखा गया कि हिंदी की क्या भूमिका है। तो जब हिंदी की भूमिकाओं के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि हिंदी ने जो अपना कार्य किया, लोगों की आम जनमानस की जो भाषा है वह हिंदी बन चुकी थी और हिंदी में लोग ज्यादा समझते थे। आज भी हिंदी भाषी प्रदेशों में भी बहुत ज्यादा इसका बोला जाता है। और यहां पर जब हिंदी का पत्र की बात ही, हिंदी में क्रांतिकारियों ने यह सोचा कि कैसे अपनी बातों को बताया जाए, कैसे संगठित किया जाए, लोगों को कैसे एकजुट किया जाए, भारत को कैसे स्वतंत्र कराया जाए, तमाम दिमाग में कोई न कोई बातें आने लगी। उसी बीच एक कानपुर के निवासी हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल, ये कानपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने कलकत्ता से एक पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम होता है उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन हुआ वह होता है 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को हिंदी में पहली बार हिंदी में एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हो रहा है, यानी यह सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को निकलता था, प्रत्येक मंगलवार को निकलता था। यह पुस्तकाकार में थी, यानी पुस्तक के आकार में थी, 12x8 के रूप में यह छपता था। 30 मई 1826 को उदंत, उदंत माने उगता हुआ, मार्तंड का अर्थ सूर्य, यानी उगता हुआ सूर्य, इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी में पहली बार साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन होता है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है, उदंत मार्तंड है। कब प्रकाशन हुआ, 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन हुआ। इसने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया, लोग जुड़े, तमाम समस्याएं अंग्रेजों के सामने खड़ी हुई, कुछ ऐसी बातें हुई कि इसको दिसंबर 1827 में बंद कर देना पड़ा, यानी इसका प्रकाशन बंद हो जाता है। अब इसके बाद से जब इसका प्रकाशन बंद हो गया, बाद में चल करके इसी की याद में जो 30 मई का डेट है, इसी की याद में, यानी इसी दिन प्रकाशन हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस, यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को। यानी प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसके बाद से ये तो बात चलती रही, इसका प्रकाशन बंद हुआ। इसके बाद 1829 में एक पत्र का प्रकाशन होता है जिसका नाम है वंगदूत। वंगदूत का प्रकाशन जो करते हैं यह राममोहन राय करते हैं। राममोहन राय, इनको राजा राममोहन राय के नाम से जानते हैं, राजा की उपाधि मिली थी इनको, यानी राममोहन राय इसका प्रकाशन करते हैं। और ये थोड़े से अंग्रेजियत रूप में रहा करते थे, तो इन्होंने जो प्रकाशन किया वो चार भाषाओं में इसका प्रकाशन किए, यानी इन्होंने हिंदी में प्रकाशन किया, इन्होंने अंग्रेजी में प्रकाशन किया, बांग्ला में प्रकाशन किया और उर्दू में प्रकाशन किया। चार भाषाओं में इन्होंने क्या किया, प्रकाशन किया। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू, इन्होंने चार भाषा, अंग्रेजों को भी संतुष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया और ये प्रयास में भी सफल रहे। चार भाषाओं में इसका प्रकाशन होता है, भी कुछ भूमिका निभाए और आगे बढ़े। इतने से ही नहीं रहा, अब जो है 1845 में, 1845 में एक पत्र का प्रकाशन होता है जो उत्तर प्रदेश से होता है, उसका नाम होता है बनारस अखबार। बनारस अखबार, यानी बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 को हुआ। कहां से हुआ? बनारस से हुआ, बनारस से हुआ। बनारस में दूध विनायक एक मोहल्ला है, वहीं से इसका प्रकाशन होता था। इसके जो संपादक हैं, इसके जो संपादक बनाए गए वह गोविंद रघुनाथ राव थत्ते, गोविंद रघुनाथ राव गोविंद रघुनाथ राव थत्ते इसके संपादक बनाए गए। लेकिन जो स्वामित्व बना, यानी किसके अंतर्गत ये छपता था, जो वहां के मालिक थे, वह शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी शिव प्रसाद सितारे हिंद स्वामित्व में जो ये बनारस अखबार का प्रकाशन होता है, शिवप्रसाद सितारे हिंद में। स्थानीय जो संपादक होते हैं गोविंद रघुनाथ राव थत्ते होते हैं। 1845 में उत्तर प्रदेश से पहली बार यह हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। यह भी साप्ताहिक ही समाचार पत्र है, यानी इसका प्रकाशन होता है, यहां के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी सबके मन में एक देश प्रेम की भावना जगाने वाला कुछ न कुछ ऐसे लेख आते थे, हिंदी के बारे में कुछ न कुछ ऐसा होता था, बढ़ावा मिलता था कि लोग एकत्रित होते थे, पढ़ते थे। ऐसा तो था नहीं कि आज की तरह हर घर में पेपर आया करता था, कभी चौराहे पर आया करता था, वहां पर एक समूह इकट्ठा था होता था और बात करता था, क्रांतिकारियों के बारे में, उदारवादियों के बारे में, तमाम विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं को लोग समझते थे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते थे। 1845 तक तो यह चला, अब यहीं तक ही नहीं रहा, बल्कि अब इसके आगे की भी बात हुई, यानी इतने से काम नहीं चलेगा। तो यहां पर जो है 1854 में
एक पत्र का प्रकाशन होता है और पत्र का प्रकाशन होता है उसका नाम है सुधावर्षण। सुधावर्षण, इसे समाचार सुधावर्षण के नाम से भी जाना जाता है। यानी सुधावर्षण का प्रकाशन होता है और यह जो है यह प्रतिदिन निकलने वाला समाचार पत्र होता है। यानी इसका प्रकाशन जो है वो प्रतिदिन होता था, साप्ताहिक नहीं होता था। इसका जो इसके जो संपादक हैं वह एसएस सेन हैं, यानी श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर सेन इसके संपादक हैं। श्याम सुंदर सेन इसके संपादक होते हैं और यह भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। यहां तक तो रहा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन रहा। इसके बाद से एक जो वर्ग अछूता था उस वर्ग को भी लेने का प्रयास किया गया। जो वर्ग अछूता था वह था महिला। तो इस पर ध्यान देते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यानी भारतेंदु जी ने एक पत्र निकाला और इस पत्र का, ये मासिक पत्रिका थी, इस मासिक पत्रिका का इन्होंने नाम रखा बाला बोधिनी। बाला बोधिनी, जिसे बाल बोधिनी के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु जी ने इसका प्रकाशन किया। 1874 में इसका प्रकाशन होता है। 1874 में यह एक मासिक पत्रिका है जो महिलाओं के लिए समर्पित थी। यानी महिलाओं के लिए एक पहली बार एक मासिक पत्रिका ही जो सिर्फ महिलाओं के लिए थी कि यह भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यानी महिलाएं प्रसन्न हुई, इनके आह्वान से प्रसन्न हुई और तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों में भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी। ये 1874 की बात है। इसी के बाद से तमाम क्रियाकलाप तो होते रहते हैं लेकिन उसके बाद से जो ऐतिहासिक पुट आता है वह यह आता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। यानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। हम अपनी मांग रखते हैं, प्रतिवर्ष रखते हैं, लोग मिलते हैं, विचारधाराएं मिलती हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। 1885-1886 यानी प्रतिवर्ष अभी बैठक होने लगा। 1896 का एक कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसमें वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय जसीतलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम। यह वंदे मातरम हमारा क्या होता है, राष्ट्रगीत बनता है। जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो यही वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत बनता है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया है। इसके बाद तमाम बातें होती रहती हैं, हर वर्ष कुछ ना कुछ पत्र पत्रिकाएं निकलती रहती हैं लेकिन हम उन बिंदुओं पर केवल चर्चा कर रहे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो महत्वपूर्ण हो उस पर हम बात कर रहे हैं। 1911 में अधिवेशन होता है और 1911 के अधिवेशन में सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक गीत गाया जाता है, जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यह विक्टोरिया के सम्मान में यह गाना यह गीत गाया जाता है। 1911 में यह गाया जाता है। 1913 में
गीतांजलि को, जिसमें ये वर्णन है। गीतांजलि एक काव्य संग्रह है और 1913 में गीतांजलि पर, गीतांजलि बांग्ला में, इसे बांग्ला भाषा में गीतांजलि कहा जाता है, गीतांजलि। तो गीतांजलि यानी गीतांजलि पर इन्होंने 1913 में इनको क्या दे दिया गया है, नोबेल दे दिया गया है। चूंकि इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं कि नोबेल इनको मिला, हिंदी साहित्य के लिए पहली बार नोबेल प्राप्त हो रहा है, गौरव की बात है, गर्व की बात है, मिला। लेकिन हम अभी गुलाम हैं और उस समय हमको साहित्य के लिए और काव्य संग्रह पर का साहित्य के लिए हमको नोबेल मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़े से समर्थन की बात आती है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का और अंग्रेजों का कुछ ना कुछ ऐसा आपस में प्रेम था कि जिस पर उन्होंने नोबेल दिलवा दिया। फिर ये अलग बात है, इसमें काबिल रविन्द्रनाथ टैगोर के अंदर वो टैलेंट भी था और बहुत सारे, इन्होंने बाद में चल करके उत्तरावस्था में चित्रकारी में भी अपना बहुत योगदान दिए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं और ये प्राप्त करने लायक थे, इन्होंने प्राप्त किया। यानी नोबेल इन्होंने 1913 में इनको पहला साहित्य का नोबेल यहां पर प्राप्त होता है। इसके बाद से 1923 में जो है मतवाला नामक एक पत्र निकलता है, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी और महादेव देसाई के द्वारा जो है ये निकाला जाता है। इसमें रोचक ये है, 1923 का जो मतवाला का प्रकाशन होता है, रोचक बात यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी ने एक जूही की कली नाम का एक पुस्तक लिखते हैं, लेख लिखते हैं, इसको उन्होंने सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनको भेजे और उन्होंने अस्वीकार कर दिया और वही जो है यही जूही की कली यह मतवाला में ला करके प्रकाशित करते हैं और यह बहुत ही चर्चित होती है जूही की कली। साहित्य जब मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा जूही की कली के बारे में भी मैं बात कर लूंगा। तो यहां पर मतवाला का प्रकाशन ये तुकबंद पर भी कुछ आधारित था, तो तुकबंद के कारण ही इनका सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम पड़ा निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम एक उपनाम मिलता है निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी ये निराला हो जाते हैं। आगे तमाम क्रांतिकारी आते हैं, इन क्रांतिकारियों में सभी लोग अपना हिस्सा, 1915 में गांधी का आगमन आता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, तमाम आपको क्रांतिकारी मिलते हैं। विचारों का अपना अपना विचार होता है, कोई किसी पक्ष में है, कोई किसी पक्ष में है, कोई नरम दल का है, कोई गरम दल का है, लेकिन ओवरऑल जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि भारत को स्वतंत्र कराना, माध्यम अपना अपना है। अब यहां पर जो है गांधी जी भी अपना लगे रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह भी लगे रहते हैं, ये लोग आगे चलते हैं, प्रक्रियाएं आगे चलती हैं और हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां हमको स्वतंत्रता की दरकार थी। यानी कि हम स्वतंत्रता के लिए चाहते थे कि हमारा हमारे ऊपर शासन रहे, उस पर हम चाहते थे, तो वो हमको मिला। और वह दिन आया, कब आया, 15 अगस्त 1947।
15 अगस्त 1947 को हम क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। स्व माने अपना, तंत्र मतलब अधिकार, अब अपना अधिकार मेरे ऊपर होगा, यानी हम स्वतंत्र हुए। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुई, स्वतंत्रता मिली, हम बड़े उत्साहित थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ी सी तेजी मचा दी, उन्होंने रात में ही स्वतंत्रता ले ली। थोड़ा सा होना चाहिए था कि हमको इतने दिनों के बाद स्वतंत्रता मिल रही है तो थोड़े धूमधाम से स्वतंत्रता मननी चाहिए, एक देशवासियों को बता करके कि इस समय हमको स्वतंत्रता मिलेगी और इस सारे देशवासी इसमें भाग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए होते। लेकिन कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद हमको मिली और स्वतंत्रता मिली। 12 बजे रात को उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की घोषणा की रेडियो पर। हम हर्षित हुए कि इतने दिनों बाद हम परतंत्रता की वेणियां हट गईं। अब यहां पर 15 अगस्त 1947 हुआ और हम आजाद भारत में आने लगे, और आजाद भारत में तभी से हम भी पैदा हुए, आप लोग भी पैदा होने लगे, और अच्छी खासी अपनी मिट्टी से लगाव भी है, अच्छा भी लगता है। 15 अगस्त 1947 के बाद से भाषा को लेकर के बात आई कि भाषा कौन सी रखी जाए, तो कुछ हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में थे कि यहां की जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए। यानी राष्ट्रभाषा पर जब बात किया गया तो राष्ट्रभाषा के बारे में बात आई कि हिंदुस्तानी, और कुछ लोग कहे कि नहीं, हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इस पर विरोध हो गया, राष्ट्रभाषा को लेकर के विरोध हो गया कि पहली चीज तो राष्ट्रभाषा को लेकर के ही विरोध हो गया, इसी को लेकर के विरोध हो गया, इस शब्दावली पर भी आपत्ति आने लगी। हम इस आंतरिक विवादों में नहीं फंसना चाहते थे, तो जीएस आयंगर महोदय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया गया। उन्होंने रिपोर्ट दिया और उन्होंने किया क्या, राष्ट्रभाषा के स्थान पर उन्होंने राजभाषा कर दिया, राजभाषा। और राजभाषा के रूप में किसको स्वीकार कर लिया गया, हिंदी को स्वीकार कर लिया गया। यानी अब राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा होगी और हिंदी हमारी राजभाषा होगी, ऐसा कहा गया। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है, इस पर हम बाद में डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बस इतना बता दें कि राष्ट्र भाषा जो है, यानी राष्ट्रीय चीज हो जो है, वह बाध्यकारी होती है, सब पर लागू हो, अनिवार्य होता है। तो अब हिंदी अगर राष्ट्रभाषा हो जाती तो वह बाध्यकारी हो जाती, तो बाध्यकारी हो जाती तो जितने प्रदेश हैं उसमें हिंदी को लागू करना अनिवार्य हो जाता, इसलिए क्या है, राष्ट्रभाषा का विरोध हुआ। राजभाषा, राजकाज की भाषा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी भाषा, ऑफिसों की भाषा, ये हुआ। तो इसमें सरकार ने कहा कि जहां जहां मेरे जो अधिकार क्षेत्र में है वहां हम लागू करेंगे, और आज भी जितने आप सेंट्रल के आप ऑफिस देखेंगे वहां चले जाएंगे, आप राजभाषा यानी हिंदी में अपना पत्र व्यवहार करिए, कहीं पर चले जाइए आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन आप हिंदी के बीएस विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है, वहां हिंदी के टीचर नियुक्त किए जाते हैं, तो चाहे वो बेंगलोर में हो चाहे उड़ीसा में हो, पढ़ाएंगे हिंदी ही पढ़ाएंगे और हिंदी में ही पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे। तो इसलिए क्यों, क्योंकि ये राजभाषा है, तो राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। अब तो पहली चीज ये दिमाग में हटाइएगा आप कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है, राजभाषा है। और हिंदी को राजभाषा की प्रमाणिकता यहीं तक नहीं किया गया, बल्कि यह कहा गया संविधान के भाग 17 में। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, इसमें भाग 17 में हिंदी के बारे में बात किया गया, यानी राजभाषा के बारे में बात हुआ। और अनुच्छेद 343 से लेकर के
351 यानी जो आर्टिकल है आर्टिकल 343 से 351 के बीच यह कहा गया हिंदी राजभाषा के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया और कहा गया हिंदी हमारी राजभाषा है जिसकी लिपि क्या है देवनागरी है। यानी हिंदी हमारी राजभाषा है और संविधान में इस संविधान में जो लागू किया गया भाग 17 में वह 14 सितंबर 1949 को ये समाहित कर दिया गया। तो 14 सितंबर 1949 को यह समाहित किया गया है इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं हिंदी दिवस मनाते हैं हिंदी दिवस मनाते हैं यानी यहां पर हिंदी दिवस मनाते हैं। तो यहां पर 14 प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम क्या इसकी याद में हिंदी दिवस मनाते हैं यानी यहां से हम हिंदी दिवस मनाने लगे और हिंदी में ही पूरा कारोबार करने लगे। तो इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ें तो देखें कि 1955 में एक आयोग का गठन होता है जो राजभाषा आयोग होता है राजभाषा आयोग का गठन होता है जिसके अध्यक्ष बीजी खेर को बनाया जाता है यानी बाल गंगाधर खेर इसके अध्यक्ष होते हैं। तो बाल गंगाधर खेर ने बीजी खेर बाल गंगाधर खेर ने इसके हिंदी साहित्य के लिए काम किया और दिन प्रतिदिन हिंदी साहित्य यानी हिंदी की विकास तेजी से होने लगा। हम कहां से चले थे गुलामी से लेकर के वर्तमान प्रदेश यानी आज तक हमने आया यानी स्वतंत्रता तक हमने आया और ये देखे कि हिंदी का विकास क्रम कैसे धीरे धीरे हुआ और आज हम हिंदी को क्या कर रहे हैं हिंदी को अब विकास की और विकास की तरफ जोड़ ले जाते हुए बात कर रहे हैं कि यह यूएनओ की भी भाषा बननी चाहिए और होनी भी चाहिए। इसमें वह अदम्य साहस है इसमें सारगर्भिता है इसमें वह शक्ति है कि इसको भाषा यूएनओ की भी भाषा बननी चाहिए। तो फिलहाल यहां तक हम आए और तमाम लिंक करके आपको समझाने का प्रयास किया आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास अगले दिन तब तक के लिए जय हिंद।